आड़ो खाने के 20 नाकाबिल यकीन फवाइद जन्हें जानकर आज से ही उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। आड़ो बहुत फायदा मंद, फरहत बख्श और लजीज फल है। आड़ो कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर के खजाने से लबरेज है। उसमें कोलेस्टेरोल नहीं होता और कैलोरीज कम होती ही। इसके साथ साथ ये गजाई रेशा का बहुत अच्छा जरिया है। एंटी ओबेसिटी और एंटी इंफ्लेमेटरी खासियत से भरपूर और बड़े कोलेस्टेरोल को कम करने की सलाहियत रखता है। तर्ज जिंदगी से मुतालिक तमाम मसाइल जैसे मोटापा, डायबिटीज, आंखों की कमजोरी और दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है। आड़ो को हमेशा छिलके के साथ खाएं। आड़ो आपकी मजमूई सेहत के लिए बेपना मुफीद है। ज़ेल में आड़ो के कुछ फवाइद मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि उन फवाइद को जानकर यकीन आप आड़ो अपनी गदा में जरूर शामिल करेंगे। 1. विटामिन सी और मफेद एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन जरिया होने के बावजूद आड़ो कैंसर के उन जरात की तश्कील को रोकता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। नीला फाइबर पर मुश्तमिल होने के बावजूद बड़ी आंत के कैंसर से बचाता है। 2. वो तमाम फल जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पर मुश्तमिल हूँ और आप उन्हें इनके कुदरती हालत में खाएं तो ये फल झरियाँ कम करके मजमूई तौर पर जल्द की साख को बेहतर बनाने और सूरज और आलूदगी के बाउस होने वाले जल्द के नुकसानात से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। विटामिन सी कोलेजन की पैदावार में मदद फ्राहम करता है जो आपकी जल्द के निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। 3. टेक्सास और रेम की जानिब से एक और मुतालिया के मुताबिक आड़ो और आलू बखारा का एक्सटरिक छाती के कैंसर के खलियत की सबसे जारहाना अकसाम का खात्मा करने में मुसर ही और वो समय से आम सेहतमंद खली को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। 4. एक दरमियाना आड़ो 2 ग्राम फाइबर मुहैया करता है। तहकीक के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज में नीला फजाई रेशा के बाउस खूनी शुगर की सतह कम होती है और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर में लेप्टोजावल इंसुलिन की सतह में बेहतरी आती है। 5. आड़ों में मौजूद फाइबर, पोटाशियम, विटामिन सी और फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पोटाशियम की मकदार में इजाफा के साथ साथ सोडियम की मकदार में कमी जैसी अहम वजाई तब्दीली किसी भी शख्स में दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकती है। 6. मुतालिया से साबित हुआ है कि जो अफराद एक दिन में 4000 मिलीग्राम पोटाशियम लेते हैं तो इनमें 49% दिल के मर्ज के बाउस मौत का खतरा कम होता है उन लोगों के मुकाबले में जो एक दिन में 1000 मिलीग्राम पोटाशियम लेते हैं। 7. दिन में तकरीबन 2 से 3 आड़ो खाने से आंखों की सेहत में अच्छी पेशरफ्त होती है और उम्र बढ़ने की वजह से होने वाले मैक्यूलर डिजनरेशन के खतरे को कम करता है। 8. सेहतमंद जल्द बालों तवानाई में इजाफा और वजन कम करने में मुफीद है। 9. बीमारी के बाउस होने वाले मवत के खतरे को कम करता है। 10. मादा और जिगर के लिए बेहद मुफीद है। 11. आड़ों की गुठली का रोगन बवासीर, कान के दर्द और बहरेपन के लिए मुफीद है। 12. आड़ों के पत्तों का जोशांदा पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। 13. आड़ों के फूल दोमाशा गर्म पानी के साथ खाने से चंद दिनों में बंदीज जारी हो जाता है। 14. गर्मी के बावस भूख न लगने में बेहतरीन फल है और प्यास की शदत को कम करता है। 15. गर्मी के बुखार में मरीज को आड़ों खिलाने से मरीज की तबीयत को फरहत पहुँचती है। 16. आड़ों के बेज में मौजूद मवज को हरे धनिये के साथ पेस कर लगाने से पेंसिल दूर हवज जाती हैं। 17. जिन्हें ज्यादा गर्मी लगती है उन लोगों के लिए आड़ों बेहतरीन फल है। 18. मादा को ताकत देता है और कब्ज दूर करता है। 19. खून की बू खत्म करता है और इसके मगज का तेल बालों की ज़ेबाइश के लिए मुफीद है। 20. तब यूनानी में आड़ों के फूल खांसी दूर करने में मुफीद समझे जाते हैं।